नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल सफ़ेद कद्दू के पेड़े। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और धीमी आंच पे ही रखते हैं गैस को। और अब हम इसमें डालेंगे घिसे हुए कद्दू। आप चाहें तो कद्दू को बिना पानी के मिक्सर ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं। तो अब हम इसे लगातार 5 मिनट तक चलाते रहेंगे और आंच को धीमी ही रखना है। 5 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए और ये हल्का सा भुन जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम के लगभग चीनी। कद्दू हमने लिया था 500 ग्राम। और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें धीरे धीरे चाशनी बनना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। हमने येलो कलर यूज किया है। आज को हम धीमी ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चाशनी सूख जाने पर हम गैस को बंद कर देते हैं और 1/2 चम्मच पिसी हुई इलायची डालेंगे फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो एसेंस भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पहले हाथों पर बॉल बना लेते हैं, फिर हल्का सा उंगलियों से प्रेस करके पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, पेड़ा बन गया। अब हम इसको गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम से और केसर से। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर सिर्फ केसर ही डाल दीजिए। आप चाहे तो नारियल का बुरादा से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये गार्निश होने के बाद आप देख सकते हैं कितने ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। और ये जितने जल्दी बन जाते हैं उतने ही टेस्टी भी हैं। आप ट्राई ज़रूर करें घर में। और ये व्रत में भी खा सकते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।